नमस्कार, कुक विद पायल में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे रस मलाई। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं रस मलाई के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो। ये हमने एक एक लीटर दूध दूध तपेली में ले लिया है और एक बड़ा टेबल स्पून शुगर लिए हैं, बेबी सेफ्रॉन और ये साइट्रिक एसिड है। अगर आप नींबू से दूध को फाड़ना चाहें तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पर साइट्रिक एसिड लिया है। ये एक छलनी और एक रुमाल। तो अभी हमने दोनों गैस पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर होने देना है उगलने तक। दूध उफनने के बाद अब हमने दूध की फ्लेम 5 मिनट के लिए बंद कर दी है। अब हमें सिट्रिक एसिड में थोड़ा पानी मिलाना है। हमें इसे अच्छी तरह घुलने तक मिलाना है। अगर आप नींबू से दूध फाड़ रहे हैं तो नींबू के अंदर भी आप डायरेक्ट नींबू नहीं निचोड़िए, नहीं तो आपका पनीर बहुत हार्ड बनेगा। गैस की फ्लेम फिर से ऑन करेंगे और इसमें धीरे धीरे से एक एक चम्मच धीरे धीरे से इसमें हम सिट्रिक एसिड मिलाएंगे। अब ये दूध हमारा बहुत अच्छी तरीके से फट गया है, बिल्कुल छेना अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इस छलनी के ऊपर एक रुमाल बिछाकर इसमें सब दूध छान लेंगे, जितना छेना हमने बनाया है। देखिए, ये सभी छेना इसमें आ गया और अब हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए लटका देना है ताकि इसका अतिरिक्त पानी निकल जाए। और अब हम इस दूध में थोड़ी सी केसर मिलाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें शक्कर भी ऐड कर लेंगे और एकदम मीडियम फ्लेम पर इसको हम धीरे धीरे उबलने देंगे 10 से 15 मिनट। बीच बीच में चम्मच की सहायता से हमें इसको हिलाते रहना है, नहीं तो दूध तले में लग जाएगा। यह हमारा छेना बनकर तैयार हो गया है और इसमें से अतिरिक्त पानी भी निकल गया है। अब हम इसको मैश करेंगे और इसके अंदर हमें एक चम्मच मैदा भी ऐड करना है ताकि ये बिखरेगा नहीं। हमें मैदा को एकदम सॉफ्ट होने तक मैश करना है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए हमें इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। इसी तरह इसको मिलाते रहें। अब इधर हमारा दूध उबल चुका है और हम ये वाला गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमें इस आटे की छोटी छोटी लोइयां बनानी है और उन लोइयों को ऐसे दबाते हुए इस तरह इधर हमने एक गैस पर पानी रख दिया है गरम और इसमें एक कटोरी हम शुगर डालेंगे। अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। ये हमारे सभी बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं।
उबाल आ गया पानी में, सबसे पहले हम एक डालकर देखेंगे, अगर ये नहीं बिखर रही है तो हम सभी एक साथ डाल देंगे। अब हम इसी तरह सभी अंदर डाल देंगे। ये हमने सभी इसके अंदर डाल दिए, अब हम इसे ढक देंगे कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। हमें फ्लेम तेज ही रखनी है। अगर हम फ्लेम को कम कर देंगे तो ये जितना फूलेंगे उतना ये फूल नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें फ्लेम को तेज ही रखना है। हमें इसे देखेंगे, इनको हमने जितनी बनाई थी ये उससे डबल हो गई है और ये काफी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी फूल गई है। अब हमें इसे बाहर निकालनी है। हमने इसमें बर्फ का पानी लिया है थोड़ा। अब हमें एक एक करके ये जो रस मलाई छेना की बनाई थी वो हमें इस बर्फ वाले पानी में डालनी है। अब हम इसको इसी में रहने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसकी मिठास और ये ठंडे हो जाए, मिठास अतिरिक्त बाहर निकल जाए। अब एक एक करके हम इसे निकालेंगे, अच्छे से इसका पानी दबा दबा के निचोड़ निचोड़ के। इसी तरह हमने सब निकाल लिए। अब हम एक एक करके इसे इस दूध में डालेंगे है, और ये हमारी रस मलाई बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हमें फ्रीज में रखकर ठंडा कर देना है। ये हमारी रसमलाई, अब हम इस पर काजू बादाम डाल देंगे। अगर आपको किशमिश पसंद है, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स में जो भी चीज़ पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए हमारी रेसिपी और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू।